अभी हाल ही में आप रायपुर में लीजेंड टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ भी गए हुए थे, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। क्या इस तरह के आयोजन भविष्य में यहाँ भी हो सकते हैं? शायद प्लानिंग ऐसी ही कुछ है, इसलिए तो मैं घूम रहा हूँ। इसलिए क्योंकि तो क्या होता है कि अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी अच्छे बड़े स्तर के अगर मैच होने लगे, भले शो मैच हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच तो होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी चाहिए होता है, उतनी रहवास की उनकी व्यवस्था चाहिए होती है। जो अभी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इंदौर के अलावा और एक ग्वालियर के अलावा कहीं पर भी ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जिसमें इंटरनेशनल मैच हो सके। लेकिन हाँ, मेरी जिनसे भी बात हुई हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, अपने बांग्लादेश की टीम हो, श्रीलंका की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, इनकी टीम प्लेयर सभी से बात हुई है, सभी को मैंने इनवाइट किया है अपने विजरावड़ विधानसभा क्षेत्र में। वैसे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिरूली भी इनवाइट किया था कि आप आइए और आपको यहाँ का नेचर, यहाँ का जंगल, खजुराहो, मैहर, ये सब चीज़ें दिखाएंगे। और लगभग सभी प्लेयर्स आने को तैयार हैं यहाँ पे, तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएं और उन प्लेयर्स को ला के उन्हीं प्लेयर्स के माध्यम से जो पूरी दुनिया में एक अलग स्थान रखते हैं खेल की जगत में, जैसे माननीय सचिन तेंदुलकर जी हैं, ये तो ईश्वर के भेजे हुए दूत टाइप के हैं अपने लिए, जिनने क्रिकेट के रूप में, क्रिकेट का उनको भगवान भी कहा जाए धरती में तो छोटी बात नहीं होगी। तो वो सचिन तेंदुलकर जी से भी अगर आग्रह करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पिछड़े आदिवासी बाहुल इलाके में वो भी आने को एक तुरंत तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्टेडियम, खेल मैदान जल्दी से जल्दी पूरे हो ताकि वो खिलाड़ी भी आए। जब खिलाड़ी आएंगे तो एक दिन का समय हम अपने यहाँ के लोकल खिलाड़ियों को दिलवाएंगे, कुछ छोटी छोटी टिप्स मिलेंगी तो इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जब बाहर से खिलाड़ी आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आते हैं, तो जो हमारे क्षेत्र के भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी एक जज्बा जागता है कि हम भी इस स्तर पर क्यों नहीं जा सकते। ठीक है।